वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस, फ्रॉइड के जो दोस्त यार थे उनके डिसाइपल्स, उनसे फ्रॉइड के डिसाइपल्स से उनसे ब्रेकअप कर लिया था, तो दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू, तो अलग हुए। कार्ल यूंग की थ्योरी हम लोगों ने एम्स एंड एस्पिरेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस पढ़ ली थी। इसके बाद कैरन हॉर्नी, अल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम और एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ना है, और कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए, बट लेट्स सी थोड़ा सा ये ऐसे। तो या सो पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेज में कैरन हॉर्नी की थ्योरी आई थी कार्ल यूंग के बाद। कार्ल यूंग ने, कैरन हॉर्नी ने जो है ऑप्टिमिज्म की थ्योरी दी। कैरन हॉर्नी लड़की थी और सिगमंड फ्रॉइड की ही डिसाइपल थी, और ये भी जो है थोड़ी सी नाखुश थी सिगमंड फ्रॉइड से, तो उसने जो है डिफरेंट अपना जो है थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करी। और इसने ये बोला कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया हमारी लाइफ का, कि ह्यूमन लाइफ जो है ज़्यादातर हम लोग जो है ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। कार्ल रॉजर्स वगैरह ने भी, अब्राहम मैस्लो ने भी ये बोला था कि इंसान जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करता है। हॉर्नी का मेजर कंट्रीब्यूशन यही रहा कि सिगमंड फ्रॉइड ये बोलता था, हॉर्नी ने ये बात बोली कि सिगमंड फ्रॉइड ये बात बोलता था कि वुमेन को उसने हमेशा से इन्फीरियर कंसिडर किया है, तो ये इस कैरन हॉर्नी को ये बात समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। उसने, कैरन हॉर्नी ने ये बोला कि हर एक सेक्स जो है उसके एट्रीब्यूट्स एडमायर करने के लिए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी मेल या फीमेल इन्फीरियर या फिर जो है कोई भी इंसान जो है इन्फीरियर सुपीरियर नहीं होता। इसने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेकर गई और ये बोला कि शी काउंटर डेट विमेन वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे जैसे कोई भी इंसान है सोशल कल्चरल फैक्टर से ज़्यादा अफेक्टेड होता है बायोलॉजिकल से कम, और इसने बोला कि अगर एक इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हो रहे होते हैं तो उनके डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे बचपन में, तो जाके जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, या एक पेरेंट का अपने बच्चों के टुवर्ड्स बिहेवियर इनडिफरेंट है, डिस्करेजिंग है, इराटिक है, बच्चों को इनसिक्योर महसूस होता है और उनको बेसिक एंजाइटी यहाँ पर हो जाती है, तो ये एक दिक्कत वहाँ पर देखने को मिल रही होती है। डीप रिसेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट्स और किसी ने लीव किया गया ग्रुप, एक सेकेंड गुनगुन, ओके तो यही है कि पेरेंट्स अगर इराटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, इनसिक्योर बच्चा फील कर रहा होता है, डिस्करेज कर रहे हैं बच्चों को आप, तो बेसिक एनजाइटी यहाँ पे डेवलप होती है। और अगर आप पेरेंट्स के टूवर्ड्स आपका रिसेंटमेंट हो जाता है कि ये तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो, एक्सेस डोमिनेंस आपका शो कर रहा है, या टू मच और टू लिटल अप्रूवल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो बच्चा जो है आइसोलेट होना शुरू कर देता है, हेल्पलेस फील करता है और वो हेल्दी डेवलप नहीं कर पाता, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कैरन हॉर्नी मानती है इस वजह से आपके जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक इन्होंने चीज़ यहाँ पे बताई। तो कैरन हॉर्नी ऑप्टिमिज्म थ्योरी रीसेंट में, ये आई थिंक पिछले बोर्ड्स में कैरन हॉर्नी और अल्फ्रेड एडलर की जो वैसे बोर्ड्स में कमी आई है, सैम्पल पेपर में कवर हो जाता था, तो कैरन हॉर्नी अल्फ्रेड एडलर का डिफरेंस आ गया था क्वेश्चन का 4 मार्कर का, तो आपको फिर ये दोनों थ्योरीज लिखनी थी। ठीक है, तो बोर्ड में आई हुई है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इंडिपेंडेंटली स्कूल लेवल पर ये 4-4 मार्कर आती है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, करोना ने जो है ऐसी तैसी कर रखी है अभी फिलहाल। ठीक है जी, तो ये इन्होंने बात बोली। नेक्स्ट जो है अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी आती है यहाँ पे। अल्फ्रेड एडलर भाई साहब ने भी जो है कार्ल वही जो है सिगमंड फ्रॉइड से थोड़ा सा अलग होके इन्होंने काम किया। अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को नाम दिया गया है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उसका बेसिक एजम्पशन ये था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है पर्पसफुल है, गोल डायरेक्टेड है। हम जैसे इंसान, जैसे सारे लोग हैं, तो बी इट एनी वन, ठीक है एनी वन, हम लोगों का बिहेवियर यूजली गोल डायरेक्टेड ही होता है और हम लोग जो है पर्पसफुल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका गोल डायरेक्शन है ये एक्चुअली में 12th क्लियर करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या फर्दर जो है आगे हमें एक टारगेट लेके चलना है, जैसे कई लोग लेकर चलते ही हैं कि इस तरीके से चीज़ें करनी है। एंड साथ के साथ अल्फ्रेड एडलर ने ये भी बोला कि हर एक के पास कैपेसिटी होती है, वो चूज़ कर सकता है इंसान एंड क्रिएट कर सकता है। तो चूज़ एंड क्रिएट योर ओन सर्कमस्टांसेस,
रादर देन डिपेंडिंग ऑन फेट. हमारे पर्सनल गोल्स हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होता है. ये जो गोल्स हैं हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमारी जो ओवर फीलिंग्स हैं उसको ओवरकम कराने की कोशिश करते हैं. अगर हमें इनएडिकेट लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो जो मोटिवेशन जो है हमें अपने गोल से मिलती है. और अगर आप कोई गोल अचीव कर लेते हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर होती है. एडलर के व्यू में ये देखा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है सफ़र करता है फीलिंग ऑफ एडिकेसी एंड गिल्ट, जिसको नाम दिया गया है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड यूज़ भी किया होगा. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, परेशानी होती है, वो तो ये कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा देखने को मिल रहा होता है. सो विच अराइज फ्रॉम चाइल्डहुड, ओवरकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स इज असेंशियल फॉर ऑप्टिमल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अगर आप इसको ओवरकम कर जाते हो तो हम उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आसान हो जाती है. जैसे आई रिमेंबर कि मेरा करियर बहुत लेट शुरू हुआ, तो आज मैं पूनम मैम के साथ बैठ के ऐसी बात कर रहा था, तो वही कहते हैं कि ना जिस टाइम पे हम फैमिली से अलग हुए तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे. उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि ट्वेल्थ क्लियर करके बहुत कम लोग थे, ऑल दो वी वर टॉपर्स बट वी गॉट एक्चुअली लेट. क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आप टॉपर हो कि नहीं, लाइफ आपको बहुत गिराती है, उठाती है, ठीक है. तो ऐसा हुआ तो हमारा टॉपर होना कहीं हेल्प नहीं हुआ. तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी ट्वेल्थ क्लियर करके वो जॉब्स कर रहे थे, तो जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे थे वो अच्छी खासी जॉब्स पे थे, अच्छी खासे पे पैकेज को लेकर बैठे थे. तो हमारा स्ट्रगल लेट शुरू हुआ बट आज हम ये देखते हैं कि हम अच्छे मायने में एक अच्छे लेवल पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे कर करके, और सेटिस्फाइड है इम्पॉर्टेंट. तो ये बहुत बड़ा था, क्योंकि जब मैं खुद भी देखता था कंपैरिजन इंटरनल तो चल ही रहा होता है कि अरे वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, बट कभी मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं मिला. आई रिमेंबर्ड वन थिंग कि हर किसी का टाइम आता है, एवरी डॉग हैज़ अ डे, हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है. तो ये ऐसा हुआ. तो लाइक फॉर एल्फ्रेड एडलर, एंड दिस वॉज माई रियल लाइफ एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट, तो मैं कुछ अपनी लाइफ से रिलेट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है. तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला. और मेरी पर्सनालिटी में भी बहुत बदलाव आया बिकॉज आई हैड टू हैंडल थिंग्स ऑफ माय ओन. डील करना है लोगों से, चीज़ें करनी है. बचपन से बिजनेस फैमिली में रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दबा हुआ मैं रहता भी था, बट जब खुद पे पड़ी सारी चीज़ें करने को तो हर चीज़ लाइन बाय लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आती रही, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है. तो इस तरीके से काम किया. तो वट आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज उसको मैं ओवरकम कर पाया, ठीक है. तो ये चीज़ है. या ओके, सो फोर्थ थ्योरी जो है वो एरिक फ्रॉम की है, द ह्यूमन कंसर्न्स. इसमें इन्होंने क्या बोला कि फ्रॉयड का बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन तो था ही था, वो तो हमें पता ही है. फ्रॉम ने अपनी थ्योरी को सोशल ओरिएंटेशन की तरफ लेकर गया और उसने बोला कि इंसान जो है सोशल बींग, ठीक है, हमें सोशल एनिमल बुलाया जाता है, जिनको अगर हमें समझना है तो वो कह रहे हैं अगर इंसान को समझना है तो उसको कैसे समझ सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ क्या है. तो लाइक पलक का दिशा के साथ क्या रिलेशनशिप, दिशा का आराध्य के साथ क्या रिलेशनशिप है, सो ऑन, ये सब चीज़ें चलती रहती है. गुनगुन के साथ क्या है, तो सो ऑन, ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है. एंड ही आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल क्वालिटी सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ. तो ये भी बोला गया कि हमारी जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं, जैसे ग्रोथ है या हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की बात कर रहे होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए और आप जो है सच्चाई और न्याय की तरफ बढ़ते हो तो आपके जो है पोटेंशियल आप आराम से रियलाइज़ करते हो. तो मैं भी ये बात बोलता था क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा था. तो मेरे फादर मुझे जैसे ऑब्वियसली फादर एक्सपीरियंस थे, काम उन्होंने काफ़ी किया हुआ था, बहुत डांट भी पड़ती थी, ना गलतियाँ भी बहुत होती थी. तो वही कहते हैं जॉब करो, किसी दूसरे के अंडर काम करोगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा. हमारे यहाँ पे तो कोई कहने वाला होता नहीं, तो गालियाँ भी बहुत पड़ती थी. पर मैं ये चाहता था मुझे ना थोड़ा सा अपनी फ्रीडम दी जाए, मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता था. मुझे कभी वो मिला नहीं. जब मैं फैमिली से अलग हुआ तो सब कुछ मेरे हाथ में रहा, तो ऑल दो आई वॉज पेनीलेस, ठीक है. तो धीरे धीरे बाय मीटिंग पीपल और बाय हैविंग फेलियर्स बहुत हुए हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा फेलियर्स हुए हैं. और इस तरीके से कर करके मैं एक स्टेज पे पहुंचा एंड आराम से मैं अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाया बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था. तो मेरे जो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज था तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था. आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन माई बिज़नेस क्योंकि मेरा बिज़नेस इतना ज़्यादा फादर का इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर मैंने उसमें भी काफ़ी मेहनत करी थी, ठीक है, अपने पार्ट पे. तो जब मैं अलग हुआ लेटर ऑन और एक फेलियर देखा, पैरेलली ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, फिर उसको मैंने टेकअप किया करते करते आज 7 साल से प्लस हो गया है मुझे, 7 ईयर्स एंड ऑन, तो बढ़िया चल रहे हैं. और इसके बीच में मैंने 2 बिजनेस ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, ठीक है. तो फ्रीडम होना और जस्टिफाइड फ्रीडम होना, उसका मिसयूज़ ना करें तो आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं.
तो फ्रॉम ने ये बोला कि हमारे कैरेक्टर्स थे, जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है डेवलप फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स। तो मैंने जैसे आपको बताया जब मैं लोगों से मिलता था, चीज़ों से मिलता, तो एक्सपीरियंस होता हुआ जो है बढ़ता चला गया। तो कहते हैं वाइल कल्चर इज शेप्ड बाय द मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोसाइटी, पीपल डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स इन अ गिवन सोसाइटी वर्क्स एज फोर्सेस इन शेपिंग द सोशल प्रोसेस एंड द कल्चर इटसेल्फ। तो होता क्या है, हम किसी कल्चर में पैदा होते हैं, उस कल्चर की वजह से हमारे में बदलाव आता है, बट कई बार ऐसा भी देखा हुआ है हमारी वजह से कल्चर में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, आज नए ज़माने के लोग हैं, आप नहीं कर सकते चीज़ें आजकल, लोग जो है पता नहीं क्या 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 करे जाए। जैसे अभी मुझे, मेरे को याद है अभी पीछे ही बात हो रही थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ की रिसेंट में अभी शादी हुई थी फरवरी में, तो अब लड़की है, तो लड़की भी यंग है लड़का भी यंग है, 26-26 साल के दोनों हैं। ठीक है, तो अब वही था घर में उनके, क्योंकि बनिया फैमिली है तो बहुत रीति रिवाज कल्चर वल्चर उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, ट्रेडिशंस वगैरह। तो वही बोला, जो मेरी दादी सांस है आज भी ज़िंदा है, अभी भी ज़िंदा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आजकल के ज़माने के बच्चों की जो है इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो व्रत व्रुत रखते रहे होते हो, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो अब मत करो। ठीक है, तो अब वो क्या, वो भी वो करती हुई आई है, तो कल्चर एक बनाया है, आज वही वो कह रही है वो कल्चर चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं। तो इज वर्क रिकग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी सच एज टेंडरनेस एंड लव इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप प्यार से जंग जीत सकते हो कोई से भी, तो प्यार केयर करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है और लोगों की भी हेल्प यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सिगमंड पोस्ट सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरीज हैं उसमें है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन बोर्ड में आई हुई है, काफ़ी बार आया हुआ है। एरिक एरिक्सन ने सर्च फॉर आइडेंटिटी के बारे में बताया, 11th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से। ठीक है जी, तो ये क्या कहते हैं, एरिक एरिक्सन की थ्योरी इस बात पे स्ट्रेस करती है कि हमारा एक रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस है जो कि पर्सनैलिटी डेवलप करता है। रैशनल मतलब जायज, कॉन्शियस मतलब जिसके बारे में हम अवेयर है, ईगो प्रोसेस जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप में हमारी हेल्प करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप ये सोचोगे कि नहीं यहाँ तक खत्म हो गया, आज मैं 12th में हो रहा है, मैच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो सब पता है, नहीं होता। ग्रेजुएशन तक आओगे कुछ हो जाएगा, पीजी तक जाओगे कुछ हो जाओगे, जॉब करोगे कुछ हो जाएगा, शादी हो जाएगी कुछ हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे कुछ हो जाएगा, बुढ़े हो जाओगे कुछ हो जाएगा, तो डेवलपमेंट हर पीरियड में आपका चल रहा होता है। ठीक है, एंड ईगो इट आइडेंटिटी हेयर इज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो उसको एक सेंट्रल प्लेस दिया कि भाई देख दाग के कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए या वो चीज़ होनी चाहिए, सब चीज़ सोच समझ के करोगे। एरिक्सन ने ये भी आर्ग्यू किया कि यंग लोग जो है, ठीक है, जो जवान लोग हैं, दे मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड अ डायरेक्शन दैट कैन गिव देम अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। तो एक ऐसा डायरेक्शन आप चूज़ करिए, ठीक है, जिस रास्ते पर आप चल पाओ, यूनाइटेड होके पर्पसफुली आप चल पाओ, ऐसा ना हो कि बेकार का कोई रास्ता चूज़ कर लिया जो आपकी लाइफ ख़राब कर दे, कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो ये एरिक एरिक्सन की यहाँ पे थ्योरी थी। तो पोस्ट सिगमंड फ्रॉइड था, कार्ल यूंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कैरन हॉर्नी ऑप्टिमिज्म, अल्फ्रेड एडलर लाइफस्टाइल सोशल इंटरेस्ट, एरिक फ्रॉम सोशल बीइंग्स हैं हम लोग, और एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया। ठीक है, एंड इसके अब क्या होता है, जैसे कभी कभी साइकोडायनेमिक थ्योरी के क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे दिए हुए 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये वाला 3 या 4 मार्कर में आ जाता है कि क्रिटिसाइज क्यों किया गया है साइकोडायनेमिक थ्योरी को। तो इन्होंने बोला थ्योरीज जो है ज़्यादातर केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंटली साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर नहीं है। सेकेंड उन्होंने बोला कुछ लोगों को जो है टिपिकल इंडिविजुअल्स को इन्होंने कंसिडर किया है, जनरलाइज कर दिया कि ऐसा ही सबके साथ होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है और साइंटिफिक टेस्टिंग में इसको कभी नहीं डाला गया है, और फ्रॉइड ने हमेशा से मेल प्रोटोटाइप को यूज़ किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, फीमेल के पर्सपेक्टिव्स को सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने कंसिडर नहीं किया है, इसलिए इसकी थ्योरी को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी थ्योरी थी जो कि इन्होंने यहाँ पर समझाई। ठीक है जी, ओके। चैतन्य, कीर्ति, गौरांगी एंड पलक, ये आपको क्लियर है जितना हमने किया? गौरांगी आपको क्लियर है? गौरांगी आवाज आ रही है? गौरांगी मेरे को लगता है गौरांगी सो गई है, और आज मैं गौरांगी की मम्मी को बता दूंगा कि गौरांगी क्लास में सो गई थी। चलो एनीवे, ओके, एक मेरे को छोटा सा रिव्यू दे दो
कहीं क्लास में ग्लिच तो नहीं हुआ? आवाज़ प्रॉपर आ रही थी, वीडियो सही चल रही थी, कोई आवाज़ इधर उधर कुछ हुई हो? क्लास ठीक थी ये स्पेशली? सिर्फ दो बंदों दो बंदों से मेरा इंटरनेट, आवाज़ सुन के मेरा इंटरनेट का राउटर ही गिर गया। जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। तो आगे बढ़ते हुए, अब जो है हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच तो पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच कि कैसे एक इंसान बिहेव कर रहा होता है। और आज आज जो है फॉर्चुनेटली आराध्या और मेरी बातचीत हो रही थी सुबह, तो आराध्या ने मुझसे पूछा कि सर आप क्या चाहते हो? तो मैंने बोला बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, वो मेरी कुछ और बात थी, बट आराध्या का जो ओपन बुक टेस्ट था और आराध्या का एक्चुअली स्कूल का पैटर्न अच्छा है, तो बोर्ड के क्वेश्चन ही थे, तो उसमें बिहेवियरल अप्रोच उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, वही इन्होंने हम लोग आज पढ़ेंगे। 4 and 6 marks का बिहेवियरल अप्रोच आता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब साइकोडायनेमिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब कल्चरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी, या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, इस तरीके से आता है। टू पर्सनैलिटी लगा होता है आगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी पता चले कन्फ्यूज हो जाओ, डिसऑर्डर में अप्रोच घुसा दो, अप्रोच में जो है थेरेपेटिक अप्रोचेस घुसा दो, तो वो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो लिख लीजिए बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी है, 4 and 6 marks का क्वेश्चन आपका ये वाला आता है। तो होता क्या है, साइकोडायनेमिक में जो मेजर रोल था वो इन्होंने बताया अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स डिजायर्स, एंड सिगमंड फ्रॉयड ने वहाँ पे मेजरली ये बताया हुआ था कि सेक्स एंड अग्रेशन का मेजर रोल था। बिहेवियरल अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है, आप लोगों ने 11th में क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो है आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी कंडीशनिंग होती है, बिहेवियर में कैसे बदलाव आता है, दो एग्जांपल्स वहाँ पे थे, तो यही इन्होंने यहाँ पे भी बताया। क्या कहते हैं, ये जो अप्रोच है ये इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फॉलो जो है फोकस नहीं करता, बिहेवियरलेस डेटा के ऊपर बिलीव करते हैं जो कि डिफाइनेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, और उन्होंने फोकस किया है हमेशा जिस स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड देयर री इन्फोर्समेंट, कैसे वो री इन्फोर्स किया जा सकता। अब जैसे क्या है, मैं बोल रहा हूँ 4 बजे जो है साइको की क्लास है, तो हम अगर 4 बजे क्लास है तो 4 बजे कॉल आ रही है, तो मैंने आपको कॉल किया तो आपने कॉल पिक कर ली, मैं स्टिमुलस था, आपने यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स दिया। री इन्फोर्स भी हम लोग इसको कर सकते हैं कि आपको लगता है यह क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सर बड़ा अच्छा से पढ़ा रहे हैं, या क्विजेज हो रहे हैं कुछ, सो एंड सो अगर देखा जाए तो उससे री इन्फोर्समेंट आपका स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड अप जो है बिहेवियर और ज़्यादा हो जाता है। इसके हिसाब से जो बिहेवियरल थ्योरिस्ट है उन्होंने क्या बोला, पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। दे सी द डेवलपमेंट सिंपली एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू एनवायरनमेंट एंड स्टिमुलस। ऐसा ही होता है, हम लोग जो है हमारा नया बिहेवियर आ जाता है, हमारे नए रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से हम लोग जो है बिहेव करने के लिए शुरू कर देते हैं, एंड एक्चुअली में क्या होता है स्टिमुलाई डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट पर्सनालिटी की क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्स। सिगमंड फ्रॉयड ने क्या बोला था, अनकॉन्शियस, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे होगा किसी भी स्टिमुलस को, तो हर एक रिस्पॉन्स क्या है, आपका बिहेवियर है विच इज़ एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। तो आप कुछ भी बिहेव कर रहे हो तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बिहेवियर कर रहे होते हो। एज यू नो हमें लगती है भूख, हम खाते हैं खाना, बट हमारे खाने की भी चॉइसेस जो है बड़ी डिफरेंट हो जाती है। भूख लगी है खाना खाना है, खाना क्या खाना है, डोमिनोज का डोमिनेटर पिज्ज़ा खाना है, वही खाना है मम्मी, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, खिला सकते हो तो खिलाओ वरना आज भूख हड़ताल है। पोटी श्रील मालू की तरह जो है हम 56 दिनों के फास्ट पर चले जाएंगे फिर मर जाएंगे, करते रहो प्रोटेस्ट फिर। तो फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ईटिंग मैनी ऑफ द वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच पम्पकिन गोट्स बट ग्रेजुअली दे लर्न टू ईट देम, वाई डू दे डू सो, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल अप्रोच चिल्ड्रन में इनिशियली लर्न टू ईट सच वेजिटेबल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रिसिएशन, दैट इज रीइन्फोर्समेंट फ्रॉम द पेरेंट्स कि भैया खा ले अच्छा लग रहा है मज़ा आएगा, प्रेज करते हैं उनको तो वो खाना शुरू करते हैं, लेटर ऑन इवेंचुअली उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है और जो है वो अकॉर्डिंगली वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। Thus, the core tendency that organizes behavior is the reduction of biological social need that energizes behavior. This is accomplished through responses that are reinforced. जैसे मेरे साथ भी ये problem था पिछले, जब मैं पहले पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था, तो मैंने पालक नहीं खाता था, और सॉरी पालक तुम यहाँ पे हो, मैं पालक नहीं खाता था, ओके, तो मैं पालक सीरियसली नहीं खाता था, तो उस टाइम पालक ही है ओके, तो उस टाइम पे हाँ
उस टाइम पे पोपायरस सेलर मैन आता था तो मैं बहुत देखता था, वो स्पिनिच खा के बॉडी बना लेता था, तो मैंने उससे बड़ा इंस्पायर होता था। मैं खा तुझे खा लिया दिशा बस तो सर। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो प्लीज़ प्लीज़ हाँ ऐसे मत करो। तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, इंस्पायर होता था, तो मैंने पालक खाना सीखा विद पनीर, यू नो लेटर ऑन फिर कई बार दाल पालक, कई बार आलू पालक, यही सब चलता रहता, तो मेरा ग्रेजुअली जो है मेरा पालक के साथ टेस्ट डेवलप हो गया एंड आई स्टार्टेड ईटिंग बैक। तो ये बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी है, यू कैन राइट माई एग्जाम्पल, यू नो आई विल बी फेमस देन। तो ये इन्होंने बताया, आगे का इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी इन्होंने एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं वो रीडिंग कर लेना। ये पूरी थ्योरी है बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनालिटी जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है ठीक है जी। तो ये 4 and 6 marks का आपका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इन्होंने कल्चरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। कल्चरल अप्रोच बेसिकली यही है कि अभी इन्होंने पीछे भी बात करी है कि आप हर कल आपका हर कल्चर बड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग कल्चर में आप जो है बॉर्न होते हो और वहाँ के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट होती हैं और अलग अलग कल्चर में लोग रह भी रहे होते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट। तो यही है क्या कहता है कि ना ये जो अप्रोच है आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू पर्सनालिटी विच इज़ रिलेटेड इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इट प्रपोजेज दैट अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओरिजिन ऑफ कल्चरल एंड बिहेवियरल वेरिएशन। तो आपका अपना इकोनॉमिक सिस्टम, आप काम कैसे कर रहे हो, पैसा कैसे कमा रहे हो, ये डिपेंड करता है आज और कि आपका कल्चर कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा है वो डिटरमाइन कर लेता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के सबसे पहले बताया इन्होंने कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी होते हैं यानी फ्लोरा एंड फौना की, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये भी देखता है कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस क्या है। तो इनफैक्ट आप देखोगे माउंटेन रीजन्स में लोग अलग तरीके से रहते, खाते पीते ओढ़ते पहनते हैं, कोस्टल रीजन्स पे अलग है, समर जैसे गर्मियाँ जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ पे अलग है, सर्दियाँ ज़्यादा रहती है वहाँ अलग है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। तो टेकन टूगेदर दीज एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ चाइल्ड ओवरऑल लर्निंग एनवायरमेंट, पीपल स्किल्स एबिलिटीज बिहेवियर स्टाइल्स एंड वैल्यू प्रायोरिटीज आर व्यूड एज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू दीज फीचर्स। रिचुअल्स सेरेमनीज रिलीजियस प्रैक्टिस आर्ट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज गेम्स एंड प्ले आर द मीन्स थ्रू विच पीपल पर्सनैलिटी गेट्स प्रोजेक्टेड इन कल्चर। तो आपके कल्चर के बारे में कैसे पता चलेगा किसी को, आपके रिचुअल सेरेमनी रिलीजियस प्रैक्टिस अलग अलग चीज़ें उनसे पता चलता है आपके कल्चर के बारे में। लोग जो है पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं इन अडेप्ट इन एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट टू द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ ग्रुप लाइफ। डज द कल्चरल अप्रोच कंसिडर पर्सनैलिटी एज एन अडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इकोलॉजी एंड कल्चर। तो अब ये देखो सिगमंड फ्रॉयड ने बोला अनकॉन्शियस, बिहेवियर्स ने बोला रिस्पॉन्स, कल्चरल अप्रोच ने क्या बोला आपका अडेप्टेशन टू देअर इकोलॉजी एंड योर टू योर कल्चर ठीक है। तो ये चीज़ एक देखी जाती है, एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है लिखना है, छोटा सा लिख सकते हो कि एज यू नो कई लोग जंगल में रहते हैं, कई लोग पहाड़ों पे रहते हैं, कई लोग हंटिंग पे रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। बिरहोर कम्युनिटी है झारखंड की जो कि ट्राइबल ग्रुप है, ये लोग ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ जी रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल जाके काम कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कंज्यूम कर रहे होते हैं। और बिरहोर सोसाइटी में बच्चों को शुरू से यानी बचपन से फ्रीडम दी जाती है, अकेले घूमने की परमिशन होती है, हंटिंग गैदरिंग ये लोग कर रहे होते हैं, उनके चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस बड़ी डिफरेंट होती है ताकि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, खुद डिसीजन करे, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो अर्ली लाइफ से, तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे मॉडर्न सोसाइटी में ये बच्चों को नहीं दिया जाता, नहीं किया जाता ठीक है। वहीं पे कहते हैं एग्रीकल्चर या मॉडर्न सोसाइटीज है, बच्चों को बोला जाता है अपने एल्डर से ओबीडियंट रहो, यंगस्टर्स का टेक केयर करो, रिस्पॉन्सिबल रहो, और उनकी बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्वालिटीज जो है डिफरेंट हो जाती है। दे बिकम डोमिनेंट फीचर्स ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी इन कंट्रास्ट टू इंडिपेंडेंस। यहाँ पर इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलती और ऑटोनोमी अचीवमेंट तो आपके आप जो है तैयार तो होते ही हो कि हमें करना है। ये ज़्यादातर हाईली वैल्यूड जो है यहाँ पे नहीं, जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में वहाँ पे तो हंटिंग गैदरिंग करोगे तो वैल्यू करी जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक पर्स्यूज एंड कल्चरल डिमांड चिल्ड्रन इन हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ डेवलप एंड डिस्प्ले डिफरेंट पर्सनैलिटी पैटर्न्स ठीक है। तो दोनों पर्सनैलिटी पैटर्न्स डिफरेंट है। आप मॉडर्न सोसाइटी में देखोगे तो बच्चे इंडिपेंडेंट, हम तो नहीं है इंडिपेंडेंट, और अगर आप यहाँ की कम्युनिटी में देखोगे तो यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, चीज़ें पूछ के करनी होती है, तो ये एक प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। तो ये आपका कल्चरल अप्रोच टू पर्सनालिटी है, ये आया है बोर्ड्स में, 4 and 6 marks ही है, मार्कर ही है, पर ये कम आया है ठीक है।
आपका बिहेवियरल अप्रोच आया है काफ़ी बार, और जो अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब इस चैप्टर का सबसे हिट क्वेश्चन है। यूजली क्या होता है, ये चैप्टर ऐसा है कि ना आपको बोर्ड में आपको 6 मार्कर ही यहाँ से ज़्यादातर उठ कर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस साल भी आया था, ठीक है, इस चैप्टर मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं पर ये याद है इस साल आया हुआ था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मेजरली आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, और इसके बारे में थोड़ा सा आपने जैसे देखा होगा 11th में अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ा था, वो था ना पिरामिड वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थियोरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसी को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, प्लीज़ ध्यान देना, इस पर थोड़ा सा बड़ा है ये, 6 मार्कर का टॉपिक है, 6 मार्कर में ही आया है मेनली। जस्ट सेकेंड, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी क्या कह रहा है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आर मेनली डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू फ्रॉइड थ्योरी। तो फ्रॉइड को जो है हटा के इन्होंने ह्यूमनिस्टिक रिस्पॉन्स बताया। किसने दिया है आपको लिखना है, प्लीज़ याद रखिएगा, कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो ने, और इन्होंने बोला कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हम लोग देख के चलते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इसको इसलिए बोला जाता है कि ना जैसे साइकोडायनेमिक तो आप ये देख रहे हो कि हमारे अनकॉन्शियस पे फोकस कर रहा है, ह्यूमनिस्टिक बोलता है कि ना ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थोड़ी सी फ्रीडम इन सब लोगों को मिलेगी, तो ह्यूमनिस्टिक वैसे देखा, और लोगों की प्रॉब्लम भी जो है ठीक हो जाती है, इससे आगे हमें पढ़ने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट आइडिया यहाँ पे कार्ल रॉजर्स ने जो प्रपोज़ किया, कहते हैं इंसान क्या है, फुली फंक्शनिंग पर्सन है, फुली फंक्शनिंग, हर तरीके से वो काम कर सकता है, और इसलिए बोला कि फुलफिलमेंट मोटिवेटिंग फोर्स है। अगर हम फुलफिलमेंट हमें किसी तरीके की होती है तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इंसान क्या करता है, मैं भी करता हूँ पूरी तरीके से, हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोग भी कर रहे होते हो कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाओ, अपने पोटेंशियल्स, अपने टैलेंट्स एक्सटेंड टू द एक्सटेंट एज पॉसिबल, जितना दिखा सकते हो। तो लाइक फॉर कीर्ति का एक अपना एरिया है, फॉर एग्जांपल दिशा का एक अपना एरिया है, चैतन्य का एक अपना एरिया है, पलक का एक अपना एरिया है, आराध्य का है, गौरांगी का है, गुनगुन का है, सबके अपने अपने एरियाज हैं जिसके जिसके बारे में मुझे पता है। अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो लाइक इन लॉकडाउन आई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड कि ये सब भी लाइफ का पार्ट है और करना चाहिए, फन कॉमेडी, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी थी, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं पहले से उनको पता ही है, तो ऐसा होता है। एंड हर एक इंसान के अंदर इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि वो अपने बिहेवियर जो है सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, देयर इनहेरिटेड नेचर, जैसे वो हैं एक्चुअली में। रॉजर ने इसके लिए 2 assumptions हमारे सामने रखी। पहली बात ये कि हमारा बिहेवियर होता है गोल डायरेक्टेड। सेकेंडली इन्होंने क्या बोला कि जो लोग अच्छे होते हैं एक्चुअली में, जो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, दे विल ऑलमोस्ट चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर, हमेशा से वो एक्चुअलाइजिंग सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर चूज़ करेंगे, ये बात इन्होंने बोली। कौन गया छोड़ के पलक, एक सेकेंड, ओके पलक आगे, अच्छा आगे, ठीक है। तो रॉजर ने ये बोला, दो असम्पशंस हैं, पहला आपका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होगा, सेकेंड इन्होंने बोला जो लोग एक्चुअली में निहायती बहुत अच्छे हैं, निहायती, ठीक है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। रॉजर की थ्योरी कैसे आई हमारे सामने, रॉजर ने ये सब कैसे समझा, रॉजर ने बोला कि जब वो अपने पेशेंट्स को सुनता था क्लिनिक में, तो उसने नोट किया कि सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब जब अपने बारे में इंसान बात कर रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी थ्योरी जो है सेल्फ के कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती रही। इसकी थ्योरी क्या अज्यूम करती है, दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ, ये हर एक इंसान हमेशा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत नाम कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें ग्रो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं ज़्यादातर सेल्फ एक्चुअलाइज। रॉजर ने फिर ये सजेस्ट किया कि हर एक इंसान जो है उसके अंदर जो उसका एक आइडल सेल्फ होता है, आइडल सेल्फ कि मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, तो दिशा बोलेगी मुझे ऐसा गिटारिस्ट बनना है, आराध्य बोलेगा मुझे ऐसा क्रिकेटर बनना है, चैतन्य बोलेगा मुझे ऐसा डिबेटर बनना है, गौरांगी बोलेगी मुझे ऐसा डांसर बनना है, पलक बोलेगी मुझे शेफ बनना है, मुझे इसका पता नहीं है पलक का, गुनगुन बोलेगी मुझे ऐसा फोटोग्राफर है, कीर्ति बोलेगी ऐसा पेंटर है, मैं बोलूँगा ऐसा टीचर बनना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आइडल देख रहे हैं, हमें ऐसा होना है, बट प्रैक्टिकलिटी में देखोगे रियल लाइफ में क्या चलता है, हमारा रियल सेल्फ, रियल सेल्फ हम कौन है, हम जो हैं एक्चुअली में अभी, हम जैसे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आइडियल सेल्फ इज दैट सेल्फ दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी व्हेन देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, पर्सन इज जनरली हैप्पी। तो मतलब अगर मैं
एक टीचर की तरह काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरा ये एक आइडियल है, मैं उसकी तरह काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आराध्या बोलते हैं मुझे विराट कोहली जैसा खेलना है, विराट कोहली जैसा खेल रहा है, उसका अप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आराध्या बहुत खुश होगा, क्या बात है, वाह मोदी जी वाह, मज़ा आ गया, ठीक है। बट अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, खेलने तो गए थे विराट कोहली की तरह और खेल के आ गए पता नहीं किसकी तरह, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आराध्य हो जाएगा अनहैप्पीनेस, अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, सारे इंसान के साथ होता है। रॉजर्स बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइज करके। इस प्रोसेस के अंदर जब भी हम अडॉप्ट करते हैं, सेल्फ हमारा ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है और ज़्यादा सोशल हो जाता है। इसलिए रॉजर ने बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में, हर एक साल, हर एक जगह पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। इसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, मास्टर करते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। ही रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हमारा सोशल जो इन्फ्लुएंस है या सोशल जो वर्ल्ड है हमारा, सोसाइटी एक्चुअली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कहते हैं जब सेल्फ जो सोशल कंडीशन है हमारी अच्छी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होगा। सोशल कंडीशन अच्छी, यानी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा। इंडिया में तो होता नहीं है, कई बार गालियाँ ज़्यादा पड़ती होती है, अरे ये क्या कर लिया, ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया। और अगर लोग यही करते हैं हमें सपोर्ट, तो हमारा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है और इससे हमें जो है प्रॉब्लम होना शुरू होती है, हम जो है सेल्फ एक्चुअलाइज और ग्रो फिर नहीं कर पाते। सिचुएशन यहाँ पे क्या कहते हैं, तो जैसे अब जो जितना मैंने अभी तक पढ़ा, ठीक है, ये सब आपको लिखना होता है 6 मार्कर में, ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, 6 मार्कर का क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखना होता है। जिन लोगों ने प्लेयरे क्लास अटेंड ही करी है, स्पेशली गौरांगी के भी अभी पीछे डाउट्स आ रहे थे, पलक कीर्ति बाकी लोग भी ध्यान दे देना कि ऐसे आपको लिखना है। आगे इसके बाद आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर थोड़ा सा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली लाइन आ जाएगी, सारा नहीं लिखना होगा इसके बाद, यहाँ तक तो आप सारा ही लिखते हो ऑलमोस्ट। तो ये जो सिचुएशन कहती है कि एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, अगर सोशल एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव है तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो, ठीक है, इससे जो है इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप हो जाता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या कहता है, विदाउट एनी कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। जो चलो इंसान बहुत सारी परेशानी से जूझ रहा होता है और अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो हमें सबको पॉजिटिव रिगार्ड देना है बिना किसी कंडीशन के, इससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जब आप 5th चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्लाइंट सेंटर थेरेपी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड हम लोगों ने मैस्लो नीड हायरार्की 11th में पढ़ा था, इससे हम लोग यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाते हैं, हम फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैस्लो ने क्या बोला, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन हु हैज़ द पोटेंशियलिटी फॉर लव जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क। ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर फ्री टू शेप देयर लाइव्स एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकम पॉसिबल बाय एनालाइजिंग द मोटिवेशन दैट गवर्न आवर लाइफ। तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कैसे पता चलेगा, वो मोटिव्स हमें ढूंढनी है जो हमारे लाइफ को चला रहे होते हैं, आगे बढ़ाएंगे। वी नो दैट बायोलॉजिकल सिक्योरिटी बिलोंगिंगनेस नीड्स आर कॉमनली फाउंड अमंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये सबके अंदर होता है, रोटी कपड़ा मकान भूख प्यास, तो ये तो हमें पूरा करना ही है, जानवर भी करते हैं। Thus, an individual soul concerned with the satisfaction of these needs reduces him to level of animal. So, हमें सिर्फ इस लेवल पे नहीं देना है, इंसानों के लिए 2 लेवल्स और बता रखे हैं। तो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स होती है, फिर ये तो 3 नीड्स जो होती है जानवर पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आती है एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होता है। तो ये 2 नीड्स इंसानों के लिए बनी है, अगर ये 3 लेवल्स पे काम कर रहे हो तो आप भी जानवर हो, सारे जानवर हैं, मैं भी जानवर हूँ, बट इसके ऊपर हमें सेल्फ एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन करना होता है। एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा, वरना ह्यूमनिस्टिक जो मैंने पीछे आपको बताया था एक्चुअलाइज तक, वहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी है, जो कि इन्होंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर किया है, ठीक है जी। एंड इसका एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे हम लोग, हु इज़ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है जी, ये फिर मैं हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे बात आ जाती है, हु इज़ अ हेल्दी पर्सन। ओके, अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बॉक्स 2.3, हु इज़ अ हेल्दी पर्सन, 3 एंड 4 मार्कर, 3 पॉइंट्स हैं, 4 मार्कर में भी आ जाता है, एज इट इज़ ही लिखना है। हेल्दी पर्सन हम लोग बोलते हैं जो अच्छा खाना खाता है, जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करता है, डाइट बढ़िया है, सब चीज़ें वो हेल्दी होता है,
ठीक है, और कहते हैं जो हेल्थ इज़ वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे बात करी जा रही है साइकोलॉजिकल हेल्थ की, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बात करी जा रही है। तो ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरिस्ट है वो क्या बताते हैं, दैट हेल्दी पर्सनैलिटी लाइज इन नॉट मेयरली एडजस्टमेंट टू सोसाइटी। आपकी पर्सनैलिटी है अडेप्टिव पर्सनैलिटी, जैसे मेरे मैं बहुत बहुत होता है कि मैं हर तरीके के सर्कमस्टांसिस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत लोग बोलते भी है, मुझे खुद भी पता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ क्वेस्ट टू नो वन सेल्फ डीपली एंड टू बी ट्रू टू वन ओन फीलिंग विदाउट डिस्गाइज। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी अपनी फीलिंग क्या है बिना किसी भेदभाव के, मैं अपने लिए सच, मैं अपने लिए जो है सच्चाई मेरे सामने है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या मुझे ठीक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू देम हेल्दी पीपल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात, दे बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्फ, देयर फीलिंग्स, देयर लिमिट्स, उनको पता होता है वो कौन है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी लिमिट्स क्या है, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, एंड दे हैव द करेज टू बी जैसे हैं वैसे ही अच्छे से रहते हैं। फिर दे एक्सपीरियंस द हेयर एंड नाउ, और जिनकी ये पर्सनैलिटी होती है तो प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर में ट्रैप नहीं होते ना पास्ट में ट्रैप हो जाते हैं, ये एक देखने को मिलता है। एंड दे डू नॉट लिव इन द पास्ट और ड्वेल इन फ्यूचर थ्रू एंशियस एक्सपेक्टेशन एंड डिस्टॉर्टेड डिफेंसेस। ऐसे नहीं करना होता, अगर ऐसे आप कर रहे होते हो तो आप हेल्दी नहीं हो। ये इन्होंने साइकोलॉजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये 3-4 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, हमारा टॉपिक अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, एक क्लास और हमारी और लगेगी, ठीक है। पार्ट 6 ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, आज पार्ट 5 था, ठीक है। तो एक तो मुझे पहले आप लोग ये बता दो, गौरांगी और ये कीर्ति, चैतन्य एंड पलक, आपको ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है, और आवाज़ मेरी ठीक आ रही थी, वीडियो ठीक थी सब लोगों के लिए, दोबारा से ठीक है, ठीक है। कीर्ति है, चैतन्य, आप लोगों को टॉपिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, कूल। सर आपको का बोला था मैंने आपको, क्या टेस्ट के लिए ना गौरांगी? हाँ जी। वो मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, 10 मिनट दो मैं आपको भेज, चैप्टर 1, 2, 3 ना, 1, 2, 3 या 1 और 3? 1, 2 और 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आज हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है और नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। पॉल साइंस के लिए हम लोग 5:05 पे मिलते हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू, बाय बाय, बाय कीर्ति, दिशा, चैतन्य, आराध्य, गौरांगी, गुनगुन एंड पलक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बाय।